नमस्कार दोस्तों, इंडिया फर्स्ट न्यूज के बेहद ही खास प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो उनके परिवारों के बारे में भी जानते हैं। तो आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद के पोते अमित आजाद से। लेकिन दोस्तों, उसके पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो आइए बात करते हैं हम अब अमित आजाद से और जानते हैं कि वो आजकल इन दिनों गुस्से में क्यों हैं। सबसे पहले तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया फर्स्ट न्यूज में। सर, मैं जानना चाहूंगी चौक चौराहों पर लगने वाली महापुरुषों की मूर्तियों को अब मतलब उन मूर्तियों का कितना महत्व रह गया है। सर्वप्रथम तो आपको मेरा नमस्कार है रिश्का जी। नमस्ते। और जो भी दर्शक हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं, बहुत बहुत सादर वंदे मातरम करता हूं। प्रतिमा की बात आपने की, मैं खास तौर से लखनऊ से भोपाल चलकर आया हूं और ये बहुत एक इसे हम निंदनीय विषय कह सकते हैं जो कि चंद्रशेखर आज़ाद जी के सम्मान में एक कुठाराघात कह सकते हैं हम, क्योंकि इस देश को आज़ाद कराने के लिए 7.5 लाख शहीदों, 7,32,000 शहीदों ने कुर्बानियां दी हैं। और यदि जिन शहीदों ने कभी अपने माँ बाप का भी मुंह नहीं देखा, और ख़ास तौर से मैं यदि चंद्रशेखर आज़ाद जी की बात करूं तो इनके एक रिश्तेदार थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके पास आए और कहने लगे तुम्हारे माँ बाप तुम्हें याद कर रहे हैं, उनके पास जाओ आप। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा कि मैं उनके पास नहीं जा सकता। अपने पिस्टल से दो गोली उन्होंने निकाल करके हजारी प्रसाद द्विवेदी को जी, उन्होंने कहा ये गोलियां जा करके उनके मार दो आप। तो ऐसे क्रांतिकारी अपने माँ बाप को नहीं देखा उन्होंने इस आज़ादी के पीछे, अपनी जवानी को, हमारी कीमती होती अपनी जवानी को न्यौछावर कर दिया उस व्यक्ति के लिए जिसके लहू का कर्ज ये देश कभी नहीं उतार सकता है। उसका असम्मान, एक उनकी लगी लगाई प्रतिमा को हटा दिया गया मध्य प्रदेश सरकार में और ये कहा गया कि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद क्या होता है, 3 साल बाद आज उसी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी की प्रतिमा वहाँ पर लगा दी जाती है। बात यह है कि जनता ने चुन करके उनको भेजा है मुख्यमंत्री जी को और उनकी प्रतिमा लगे हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर उस स्थान पर ना लगे जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा होनी चाहिए, या तो वहाँ किसी की प्रतिमा ना हो और हो तो चंद्रशेखर आज़ाद जी की। यही हमारा आक्रोश समझ लीजिए या शांतिपूर्ण एक मैं क्रांतिकारी तरीके से जो भी मैंने आज अपने पत्रकार भाइयों से कहा, और जब तक ये प्रतिमा नहीं लगेगी तब तक हम तटस्थ रूप से हम इसी बात पर अड़े रहेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा वापस वहीं लगे या तो वो मुख्यमंत्री जी की प्रतिमा वहाँ से हटकर कहीं और जाए। सर, आपको क्या लगता है कि जहाँ पर हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में हमारे देशवासियों को जानना चाहिए उसी की जगह अब जो राजनेता हैं या जो सियासी दल हैं वो उनकी जगह घेरती जा रही हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सियासी दल देखिए उनकी जगह इसलिए घेर रहे हैं क्योंकि मैंने अभी पहले क्या कहा, जब इस तरह का कोई भी परंपरा आरंभ हो तो जैसे अभी ये इस घटनाक्रम जो हुआ है इसका लोगों में व्यापक रोष है, लोग उस पर उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। मैं वहां से आया क्योंकि यदि किसी ने देखिए कोई ये ना समझे कि चंद्रशेखर आजाद जी का कोई है नहीं, मैं तो एकमात्र वंशज हूं, पर उनकी विचारधारा के 132 करोड़ लोग हैं, मुझे लगता है आप भी चंद्रशेखर आजाद जी की विचारधारा से ओतप्रोत होंगी। तो ये सारे ही लोग मिल करके, और मैं ऐसी किसी परंपरा को शुरू नहीं होने देना चाहते क्योंकि ये परंपरा अगर शुरू हो गई तो आज इन शहीद की प्रतिमा हटी है, कल को किसी और चौराहे पर भगत सिंह की प्रतिमा हट के किसी और के लग जाएगी, क्योंकि जो शीर्ष स्तर के नेता होते हैं वो यही चाहते हैं कि हमारी प्रतिमा हर जगह हो, उन्हें किसी शहीद से मतलब नहीं होता। इसीलिए ना मैं किसी राजनीति का हिस्सा हूँ ना मैं किसी पार्टी का सदस्य हूँ, इसीलिए मैं अपनी बात बाकी से कहता हूँ और दृढ़तापूर्वक कहता हूँ कि कम से कम शहीदों के मामले में राजनीति ना लाए, चाहे वो कोई सरकार हो, कोई भी सरकार हो, यदि वो शहीद के ऊपर आँख उठाएगी तो हम उनकी आन बान और शान पर बिल्कुल भी आँच नहीं आने देंगे। आपको कौन सा ऐसा राजनेता या सियासी दल है जो आपको मतलब किसी हद तक ठीक लगता है या देशभक्त लगता है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यदि मैं नाम लूं तो ये मुझे लगता है, बाकी कोई क्या सोचता वो मैं नहीं जानता, गलत नहीं होगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का यदि मैं नाम लूं, जो आपने बोला कि क्या ऐसा सियासी दल कोई हो सकता है, तो मुझे लगता है मैं गलत नहीं हूँ।
क्योंकि आज के समय में शहीद चंद्रशेखर, यहां पर यह हो रहा है, मैं बताऊं लखनऊ उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा के लिए 100 फुट की प्रतिमा लगाने हेतु हमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक पार्क दिया बहुत बड़ा, जिसमें हम उसकी प्रतिमा, आजाद जी की प्रतिमा लगा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें दो तीन बार सम्मानित किया रामलीला मैदान में। जिस दिन वो प्रधानमंत्री बने, छठे दिन उन्होंने हमें याद किया, हमारे फादर को याद किया, राजगुरु सुखदेव वंशज को याद किया, और वहां पर सम्मान उनको बुला करके उनसे बातचीत की, कुछ दिया लिया नहीं, सिर्फ बातचीत की। तो हम लोगों को लगा कि हाँ, अब इस सरकार में कोई व्यक्ति एक आया है, तो ये चल रहा है। यही दल, मुझे लगता है दल क्या, मैं उन व्यक्तियों की बात कर रहा हूं, मैं अभी भी मैं दल को नहीं कह सकता कि वो दल बहुत अच्छा है, मैं उन व्यक्तियों की बात करता हूं कि ये ऐसे व्यक्ति जिस भी दल में रहेंगे, निश्चित रूप से वो दल भी इस देश को आगे ले जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि व्यक्तित्व की हमें पूजा करनी चाहिए, दल नहीं अच्छे बुरे होते हैं, उसमें रहने वाले व्यक्ति अच्छे बुरे होते हैं। लोकतंत्र, मैं लोकतंत्र कभी नहीं हारता, लोकतंत्र सदैव विजयी होकर ही निकलता है, हारती तो सरकारें हैं। इसलिए, और जो भी ये दल की बात की आपने, कोई नेता कभी बुरा नहीं होता, होता है उस सदरी और कुर्ते पैजामे का अंदर का व्यक्ति, सदरी और कुर्ता पैजामा कभी गंदा नहीं होता। लोग कहते हैं ना ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैं भी देखिए सदरी और कुर्ता पैजामा पहनता हूँ। लोग कहते हैं अरे आप तो नेता वाले कपड़े पहनते हैं, मैंने कहा ये सदरी तो चंद्रशेखर आजाद जी भी पहनते थे, क्या वो नेता थे क्या? तो ये है राजनीति की परिभाषा। सर, जैसा अभी आप कह रहे हैं कि नेता नहीं होता और आप एक नेता नहीं है, मैं जानना चाहूंगी ज्यादातर जो ये शहीदों के परिवार के लोग होते हैं वो राजनीति में आने से परहेज क्यों करते हैं? परहेज इसीलिए करते हैं ना, जैसे आज मैं चंद्रशेखर आजाद जी के लिए खुलकर बोल रहा हूँ, आक्रोश है। शायद मैं किसी ऐसे दल में होता जो चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर कुठाराघात करता तो मैं बोलने से साथ परहेज करता। मुझे ऐसा लगता है कि उन विचारधारा पे मैं चलता कि नहीं, इस दल ने तो चंद्रशेखर आजाद जी का अपमान किया, मैं यहाँ पर चुप हो जाऊं, या कोई भी दल हो। इसीलिए हम किसी दल में आज तक गए नहीं कि हम स्वतंत्र रूप से, जैसे वो थे ना आजाद हैं, आजाद थे और आजाद रहेंगे, इसीलिए हम आजाद, हम जहाँ रहते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज हम यहाँ बैठे हैं कांग्रेस की सरकार है, लेकिन हमारा कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मन वही है जो चंद्रशेखर का अपमान कर रहा है, ये फैक्ट है। इसीलिए हम राजनीति में जाते नहीं कि हम एक दल में जाएंगे तो एक स्वाभाविक है कि दूसरे दल से हमें लोग ऐसे देखने लगेंगे, अरे ये तो आजाद जी के बन सकते, इस दल में क्यों चले गए। तो ये वजह है, बाकी और भविष्य किसी ने देखा है, आगे हम क्या करें, जैसा देश चाहेगा वैसा ही होगा। सर, चंद्रशेखर आजाद जैसे जो क्रांतिकारी थे, उनको क्या इतिहास में वो स्थान नहीं मिला जो गांधी और नेहरू जी को मिला? जी, इसके बारे में आप बताएं। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए नेहरू जी और गांधी जी नरम दल के नेता थे, और चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान ठाकुर, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल जी, ये सब गरम दल के नेता थे। एक जगह पर ऐसी आई थी जब काकोरी कांड हुआ, मैं बताऊँ आपको, अंग्रेज सरकार ने इनसे पूछा कि आप कैसे अहिंसावादी हैं, आप के युवा की क्या कर रहे हैं, तो महात्मा गांधी जी ने कहा देखिए वो अहिंसावादी मैं हूँ और जो मेरे साथ है वो है, जो अहिंसावादी नहीं है, जो हिंसात्मक प्रवृत्ति का है, वो मेरा नहीं है ना मेरे साथ वो है, ये अलग लोग हैं, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। शायद वहीं से क्रांतिकारियों में और महात्मा गांधी जी की जो विचारधारा है इनमें एक फूट पड़ गई थी, क्योंकि मैं आपको बता दूँ चंद्रशेखर आज़ाद जी को जब बनारस में कोड़े लगे उनके, तब उन्होंने महात्मा गांधी जी की जय और भारत माता की जय बोला था, तो ये दरार वहां पर पड़ गई। और सरकारें हैं, जो सरकारें चली चलती चली हैं, उन्होंने हर जगह अपना नाम और शहीदों का नाम, ये तो सत्य है और इस सत्य को कोई मिटा नहीं सकता कि पूर्व की सरकारों ने शहीदों के नाम को दबाने की कोशिश की, सिर्फ अपने नामों को उठाने की। आज आप लखनऊ में जा करके देख लो, अभी अभी एक पार्टी वहां हुआ करती थी BSP नाम की, जिसने पूरे शहर में अपने ही संगठन के व्यक्तियों की मूर्ति लगा दी और बड़ा सा वो तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्तूप बनवाया, और उसके अंदर स्वयं की प्रतिमा, जो कि अभी जीवित हैं मायावती जी, स्वयं की प्रतिमा उन्होंने लगवा दी। क्या उसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह की नहीं होनी चाहिए थी? मुझे तो नहीं लगता कि मायावती सबकी फेवरेट है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह सबके फेवरेट है, मुझे लगता है वहां पर उनकी प्रतिमाएं होनी चाहिए थी। तो यही वजह है कि वो इनका नाम नहीं आगे लाए।
अपना नाम हमेशा अपने नाम से कॉलेज, अपने नाम से स्कूल, ये होते रहे। तो कहीं ना कहीं जरूरत है कि उन शहीदों के नाम पर भी कुछ हो, उसके लिए हम देशवासियों को ही आगे आना पड़ेगा। सर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार आज किन हालातों में है? देखिए, पहले तो मैं अपने से शुरुआत करूंगा। बिल्कुल, मैं लखनऊ के अंदर इलेक्ट्रिकल का काम करता हूँ। एक मेरी शॉप है जिस पर हमारे पूज्य पिताजी बैठते हैं जब वो लखनऊ में होते हैं, क्योंकि हमारे पूज्य पिताजी भी चंद्रशेखर आज़ाद जी के भतीजे हैं, उनका मैं बेटा हूँ और वो भी देश के भ्रमण पर रहते हैं जैसे मैं रहता हूँ। जब भी लखनऊ में होते हैं अपनी दुकान पर वो बैठते हैं, और मैं जब भी लखनऊ में होता हूँ तो मेरा वायरिंग का काम है इलेक्ट्रिकल का। पर जो हमारे उसूल हैं, जो सिद्धांत हैं, आज भी उन्हीं चंद्रशेखर आज़ाद जी के विचारधाराओं पे हम चलते हैं। और स्कूलों में, कॉलेजों में, विद्यालयों में जा करके जो हमारे देश का भविष्य है, क्योंकि हमारा देश का जो भविष्य है वो स्कूल और कॉलेज में पल रहा है आज, ये एकदम हकीकत है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था, यदि हमें देश को सुदृढ़ बनाना है तो हमें स्कूल में जाना पड़ेगा, हमें कॉलेज में जाना पड़ेगा, हमें उन्हें बताना पड़ेगा कि ये नशा गलत है। यदि मरना है तो हम नशा करके नहीं मरेंगे, मरने के बाद मरेंगे, या जब सो रहे होंगे तब हम मरे के समान होंगे, बाकी जीवित में हम होश आवास में पूरा रहेंगे और जीवन में कभी नशा नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें हम बढ़ाते जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, एक आपके चैनल के माध्यम से भारतीय रेल के ऊपर जो तिरंगा लगा हुआ है वो हमने और हमारे संगठन HRA, एक संगठन है, जब काकोरी कांड हुआ था उस समय पर बना था, तो उसी संगठन के माध्यम से हमने जितनी भी भारत में रेलें हैं उनके ऊपर एक तिरंगा लगवाया है। और अगला हमारा दिल्ली की जो बसें हैं उस पर एक तिरंगा आने वाला है। कभी भी दिल्ली आप जाएंगे, जो भी दर्शक देख रहे हैं वो दिल्ली कभी भी जाएं तो वहाँ देखेंगे उस पर उन्हें तिरंगा लगा मिलेगा। और हमारा ये एक दृढ़ निश्चय है कि हम हर भारत के परिवहन पर एक तिरंगा लगा हुआ देखना चाहते हैं। हमारा संगठन तिरंगे के अवेयरनेस को लेकर काफ़ी जागरूक है। सर, आप आगे क्या कदम उठाएंगे? आप किसी दल से जुड़ेंगे या अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे? किसी दल से जुड़ेंगे या किसी पार्टी को बनाएंगे, ऐसा हमें क्यों करना पड़ेगा? देखिए, मैं बताऊं, हमें जो हम कर रहे हैं उस काम को करने के लिए किसी दल की और किसी पार्टी की जरूरत अभी तक तो नहीं है। हम जो करते चले आ रहे हैं वो हम कर रहे हैं आसानी से। आप अभी भी देखो, हम यहाँ पर आए हैं आज़ाद जी के सम्मान में और हम उनका सम्मान उन्हें वापस दिलाकर ही जाएंगे यहाँ से। तो हमें तो किसी पार्टी की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे साथ देश खड़ा है, हमारे साथ आप जैसे पत्रकार खड़े हैं, आप जैसे पत्रकार बहनें जुड़ी हैं। जब तक ये हमारे साथ हैं तो हमें किसी पार्टी में और किसी दल में जाने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें हमारे पास आने की ज़रूरत है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, क्योंकि हम जिनके परिवार से हैं उनको पूरा देश मानता है। और आज कहीं ना कहीं वही 132 करोड़ लोग और देश की पत्रकारिता पर मुझे इतना विश्वास है कि वो हमारे साथ हैं, तो हम अपने जो भी देशभक्ति की राह में रोड़े आते हैं उनके माध्यम से हम दूर कर लेते हैं। इसलिए अभी उसमें जाने का ऐसा कोई हमारा फैसला नहीं है। बाकी एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, जो भी हमने शपथ ली है इस देश के लिए ली है कि यदि हम राजनीति में नहीं जाएंगे तो इस देश का कल्याण हमें दिखता है। लेकिन जिस दिन हमें लगा कि हमारी शपथ बेकार जा रही है और देश का कल्याण नहीं हो रहा उसमें, तो उस दिन देश के लिए शपथ तोड़ने में भी हम देरी नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने का। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि इन्होंने कहा कि इन्हें इनकी हमारी मीडिया पे और इन्हें पत्रकारों पे पूरा भरोसा है कि इनको न्याय ज़रूर मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं इनके साथ बिल्कुल ऐसा ही हो। इंडिया फर्स्ट का ये प्रोग्राम देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें ऐसे ही अपने कमेंट्स के साथ बताइए कि आप और क्या देखना चाहते हैं। इस शो के बारे में भी आप हमें अपनी फीडबैक देना ना भूलें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और इंडिया फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करें।